गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके लेकर आई हूँ आज एक नए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू। चलिए जानते हैं आज इसकी प्राइस कितनी है और क्या है इसका मटेरियल, और मैं इसे कितनी रेटिंग देना चाहूँगी और आप इसके बाद इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट जो था वो मैंने जियो मार्ट से ख़रीदा था। आप देख सकते हो पैकेजिंग में आपने अजियो की देखी होगी, आपको पता ही होगा कि जियो मार्ट और अजियो एक ही हैं। ये सारी जो कंपनियों से ये जो प्रोडक्ट डिलीवरी जिन्होंने की होगी उनका टाई अप होगा, तो एक थैंक यू नोट का एक कार्ड था। मटेरियल जो था कॉटन था, बहुत ही प्यारा सा था। और थंबनेल आपने देखा होगा कि मतलब जो दिख रहा था कलर तो थोड़ा ऑलमोस्ट था, पर डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ बिल्कुल अलग था। पर मुझे कपड़ा देखने में अच्छा लगा, चीपेस्ट था, मतलब जितनी प्राइस दी हुई थी उस हिसाब से जो मटेरियल मिला मुझे कॉटन मिक्स्ड सा, और इस तरह का मिरर वर्क था उसमें, और ऐसे बॉर्डरिंग भी दी हुई थी गले पे और हाथों पे दी हुई थी। तो देखने के हिसाब से और जो आप प्राइस देख रहे हो अभी यहाँ पर, ये बिल्कुल उससे कम है गाइस, 432 का है। मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, देखा आप डिफरेंट दिख रहा है ना, बस कलर बस उसका मिल रहा था, बाकी तो सब कुछ डिफरेंट था। प्राइस जो आप देख सकते हैं बहुत ही कम थी, तो मैंने इसको रख लिया, मैंने रिटर्न नहीं किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये लुक जो सामने का दिया हुआ था पैटर्न, और इस तरह की जो बॉर्डर दी हुई थी हाथ में, और ये मिरर वर्क और जरी लगी हुई थी। पैंट जो था वो बिल्कुल सिंपल था, पैंट में कुछ भी नहीं था, बस हाँ एक साइड पॉकेट दी हुई थी। ये मैंने एल साइज़ लिया है, और जनरली मैं एल साइज़ ही लेती हूँ गाइस। पता नहीं, मैं आपने मेरा ब्लू कलर का देखा होगा, एक और कुर्ता मैंने इसके साथ ही मंगाया हुआ था, उसका जो था एल साइज़ में पैंट जो था बहुत ही बड़ा था, जबकि कुर्ता फिटिंग का था। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, तो आप देख ले, चेक कर ले, और अगर ऐसा कुछ है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। बॉटम भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा था, और मैं आपको इसका दिखा देती हूँ घेर कितना था नाप कर, ये कुछ इस हिसाब से मैंने नापा तो 2 से थोड़ा कम था, पर ऑलमोस्ट इस तरह का अच्छा फैला हुआ सा घेर था, तो बहुत ही प्यारा सा लुक था। मैं आपको उसको पहनकर भी दिखाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसे रिटर्न नहीं किया और मैंने रख लिया इसका। तो मुझे तो ओवरऑल इसका कलर बहुत प्यारा लगा, और मटेरियल भी ठीक था, प्राइस वाइज भी गुड था, तो मैं तो इसे 8 दे सकती हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वही था कि दिखाया कुछ और दिया कुछ, पर ठीक है, ये भी अच्छा था। तो इसी के साथ, ये इसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा था, आप देख सकते हो, देखने में आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको मैं पूरा अच्छे से दिखा दूँ। मटेरियल भी इसका कॉटन था। चलिए मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, बताइए गाइस कैसा लग रहा है पहनने में। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 1 साइड पॉकेट था, काश दोनों साइड दे देते तो बल्ले बल्ले हो जाती। मुझे बहुत अच्छा लगता पॉकेट वाले जो सूट होते हैं ना, तो या तो सूट पे दे देते हैं या आपके पैंट में दे देते, तो इसलिए मुझे बहुत। आप देख सकते हो प्लाजो का जो घेर था वो भी बहुत अच्छा था, लुक वाइज अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, और अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर।